सितारगंज पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री यशपाल आर्य, हुकम चंद मित्तल के परिजन से की मुलाकात। हुकम चंद मित्तल के आकस्मिक निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। पौड़ी में ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। सड़क निर्माण को लेकर सतपाल महाराज को कई बार दे चुके हैं ज्ञापन, नहीं हुई कोई सुनवाई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में शराब तस्करी पर रोक लगाने को लेकर बनी सहमति। लालकुआ पहुंचे बीजेपी नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से कराया अवगत। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। वक्त हो चला है उत्तराखंड के खास बुलेटिन, अपना उत्तराखंड का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने आज बिंदु खत्ता क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। वही जनसंपर्क के दौरान रावतवर नगर प्रथम में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने ग्रामीणों को बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराते हुए उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वैसे तो पिछले 5 साल में कई कार्य किए गए हैं। योजनाएं भी इतनी आई गई हैं कि सारी योजनाएं आज धरातल पर पब्लिक को मिल रही हैं। तो उसी प्रकार आज मैं रावत नगर में आया था, यहाँ पे जनता के द्वारा मेरे जनसंपर्क चल रहा है। यहाँ मैंने समस्याएं सुनने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ सभी संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जनता द्वारा पूरा समर्थन मिल रहा है और इसका निष्कर्ष यह देखेंगे हम अगले 2022 में कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिलने जा रही है। देखिए, कांग्रेस के बारे में सबको सब कुछ जानते हैं, कांग्रेस के बारे में मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अभी इतना बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा कि अभी मेरे जनता द्वारा जितना भी मेरे सबको जनता के साथ घूमने का मौका मिल रहा है, जितना मेरे को उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, हमारे यशस्वी ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से लोग बहुत खुश हैं और उनके नेतृत्व में लोग तैयारी में लग चुके हैं। सभी लोग उनको अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं और उन्हें भारी बहुमत से विजय मिलने वाली है। दर्शकों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रदेशों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस ली है। इसे लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में अपराधियों की जानकारी साझा करने, संयुक्त चेकिंग और शराब तस्करी पर रोक लगाने को लेकर सहमति बनी है। तय किया गया है कि 2 साल पहले जिस तरह दोनों राज्यों में जहरीली शराब से व्यक्तियों की मौत हुई थी, वो दोबारा ना हो। साथ ही बॉर्डर के पास शराब का भंडारण और वितरण ना होना सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। पूर्व राज्य मंत्री यशपाल आर्य आज सितारगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने शक्ति फार्म के समाजसेवी और प्रतिष्ठित व्यवसायी श्याम प्रसाद विश्वास और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मालती विश्वास के बड़े बेटे शुभम विश्वास और सितारगंज के वरिष्ठ समाजसेवी हुकुम चंद मित्तल के आकस्मिक निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनके परिवार को सांत्वना दी। पूर्व राज्य मंत्री यशपाल आर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, उत्तराखंड में प्रत्याशियों का चयन फैसला उसका सब कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को करना है और जो भी फैसला हाईकमान का होगा, सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को उसको मानना होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जवाबदारी प्रस्तुत की है, लेकिन फैसला निर्णय हाईकमान को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को करना है। प्रदेश कांग्रेस के का जो हमारा पैनल है, स्ट्रिंग कमेटी है, उसमें चयन होना है, उसके बाद अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। और निश्चित रूप से जहां पर भी जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, उस फैसले को सभी कार्यकर्ता और सभी जो दावेदार उम्मीदवार थे उसको स्वीकार करेंगे। लगातार दूसरी माहौल देखिए, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, आसमान छू रही महंगाई, बेरोजगारी का क्या हाल है, किसानों की क्या दशा है,
जो कहते थे सरकार कहती थी हम 2022 में किसानों की आय को दुगना करेंगे, नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। सितारगंज में आपकी चीनी मिल हुई चली और बंद हो गई। तो वहीं तीन कृषि कानून वापस और किसानों के एमएसपी समेत अन्य मांगों को केंद्र सरकार की तरफ से मानने के बाद किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से नानकमत्ता के लिए रवाना हुए। वहीं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से चला किसानों का फतेह मार्च सितारगंज पहुंचा। किसानों का फतेह मार्च सितारगंज पहुंचने पर व्यापार मंडल समेत अन्य किसानों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से लौटे किसानों को बधाई भी दी गई। तस्वीरें सितारगंज से जहां पर नानकमत्ता के लिए लौटे किसानों को बधाई दी गई, फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच बात बनने के बाद किसान आंदोलन को अब स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद अब किसान अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी ऐतिहासिक जीत आज तक ना तो हुई है, शायद ना हो पाएगी। जिस जीत को जीतने के लिए इतनी लंबी अवधि लग गई, जो आज तक अंग्रेजों के कार्यकाल तक में नहीं लगी थी, इस समय जीत का ऐसा माहौल है, किसानों की जीत का इतना बड़ा माहौल है कि यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ वितरित की गई हैं, पटाखे बजाए गए हैं। बहुत ही अच्छा आदमी महसूस कर रहा है कि अहिंसा के रास्ते में चल करके किसी की भी हठधर्मिता को दूर किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की किसी की भी हिटलर शाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को न्याय मिला है। मैं सभी देशवासियों को जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं। कालाढूंगी में कृषि बिल वापस लिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैल पड़ाव में जश्न मनाया। किसानों की तरफ से किए जा रहे आंदोलन में किसानों को 378 दिन तक आंदोलन करने के बाद सफलता हासिल हुई। 712 किसानों के शहीद होने के बाद किसानों ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा। बैल पड़ाव के कांग्रेस कार्यकर्ता पीयूष बिष्ट का कहना है कि आंदोलन के बल पर ही देश को आजादी मिली थी, वहीं आज किसानों की तरफ से किए गए आंदोलन से कृषि कानून वापस किया गया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत बैजरों के पास पंचपुरी में स्थानीय विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि काफी लंबे समय से ग्रामीण अपनी ग्राम सभा में सड़क निर्माण करने के लिए मंत्री सतपाल महाराज को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सतपाल महाराज कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, इसलिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जो हमारे प्रतिनिधि रहे पिछले 20 सालों से, उन इस क्षेत्र के उनका उस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है। जिनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा जिसको मालूम ही नहीं है कि पूर्व में नया नदी का पानी है, मगर जोगी मणि पूरे ब्लॉक का एक क्या हिस्सा इससे कवर हो सकता है, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि हम पूर्वी नया नदी का पानी अगर हम बेदीखाल भेज दें तो बेदीखाल से पूरा लगभग 2/3 पूरा ब्लॉक कवर हो जाएगा, और अगर हम खटिलगढ़ नदी का पानी वहां से ललितपुर या कालिंका मंदिर भेज दें तो लगभग 3 लिफ्टिंग पंपिंग पेयजल योजनाओं से विकास पानी की पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो सकती है। वहीं हरिद्वार कुंभ मेले में मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ने हिसार हरियाणा स्थित नलवा लेबोरेटरीज और दिल्ली स्थित डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स के जरिए कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग की थी। बाद में जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि करीब 1,00,000 से ज्यादा टेस्ट फर्जी किए गए और इनके फर्जी बिल तैयार कर कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग में जमा करा दिया गया। वहीं इन फर्जी बिलों के जांच के बिना ही कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग ने कुछ भुगतान भी कर दिया था, लेकिन करीब 4 करोड़ का भुगतान करने से पहले इस घोटाले का खुलासा हो गया। जांच अधिकारी निरीक्षक ने बताया है कि बिलों का अवलोकन एक्सपर्ट्स के जरिए कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि बिलों को नलवा के फर्जी लेटर हेड का प्रयोग कर तैयार किया गया था, क्योंकि इन बिलों में ICMR ID NIL है, जो फर्जीवाड़े की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा कि यह तथ्य CDO सौरभ गहरवार की जांच में भी सामने आया था, जो हमारी जांच में पुख्ता हुआ है। जांच अधिकारी का कहना है कि हमने अभी तक डॉक्टर नवतेज नलवा को क्लीन चिट नहीं दी है और उन्हें इस फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल वो फरार हैं और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं नानकमत्ता क्षेत्र के किसानों ने नानक सागर डैम का जलस्तर कम कराने को लेकर उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सौंपे गए ज्ञापन में लिखा है कि नानकमत्ता क्षेत्र के नानक सागर डैम का पानी खेतों में काफी लंबे समय से भरा है, जिस कारण किसानों के खेतों में गन्ने की फसल की कुटाई और निकासी नहीं हो पा रही है, गेहूं की फसल खराब हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों की तरफ से जल निकासी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के सिंचाई खंड से बातचीत की जाएगी और जल समस्या का समाधान भी किया जाएगा। ठीक है, हमने पहले भी लिख के दे रखा कि उस पानी को कम किया जाए। राणा जी से कहा, प्रेम सिंह राणा जी से कहा, जो विधायक हमारे मौके पे, उन्होंने कहा था, बिल्कुल मैं आश्वासन दिया था हम लोगों को कि आपका तुरंत पानी निकाल दिया जाएगा और गन्ना आपका सप्लाई हो जाएगा। चीनी मिल चल गई है, लगभग 15-20 दिन हो गए हैं और अभी तक एक भी इंच पानी नहीं उतरा है। लगभग डैम फुल ही है और उसमें विधायक जी अपनी किस्तें चला रहे हैं, 250 रुपये किराए पे बारी के हिसाब से वो उसका लाभ ले रहे हैं और किसानों की तरफ कोई नहीं देख रहा है। हम लोग परेशान हैं और तुरंत पानी निकाला जाए और हमारा उसे शोषण ना किया जाए। क्या है कि जो नानक सागर डैम है उसका जो पानी है वो लगभग 703 फुट से भी ऊपर बह रहा है, जिसके कारण जो है आसपास के किसानों की ज़मीनें वो जलमग्न हो गई हैं। इसके संबंध में मैं एक CN जो हमारे बरेली क्षेत्र के हैं उनसे बात करेंगे और मुझे उम्मीद है इसमें कोई ना कोई सलूशन जो है वो निकल जाएगा। वहीं हरिद्वार वन प्रभाग के नए DFO धर्म सिंह मीणा कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों में विवादों में घिर गए हैं। हरिद्वार वन प्रभाग में कार्यरत कर्मचारी अपने नए DFO की कार्यशैली से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते आज कर्मचारियों ने उत्तरांचल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री एसोसिएशन के बैनर तले वन प्रभाग हरिद्वार के कार्यालय के बाहर DFO के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से DFO के स्थानांतरण की मांग की है। मामला यह है कि 5 तारीख को धर्म सिंह मीणा ने ज्वाइन किया यहाँ पे और 2 दिन वो ऑफिस में बैठे और 2 दिन में उन्होंने सबको घूसखोर और कई चीज़ों से अभद्र व्यवहार करना शुरू करा। उन्होंने मेरे मुंह पे कैलेंडर फेंका। उन्होंने बोला कि भंडार शाखा में ये कोई कार्य नहीं है, आपको कार्य करते हुए कितने साल हो गए? मेरे को भंडार शाखा में 4 साल हो गए, सुचारू रूप से कार्य कर रहा हूँ और कोषागार साथ में कोषागार भी देख रहा हूँ। 3 साल मुझे कोषागार देखते हुए भी हो गए और उन्होंने बोला तुम्हें काम नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें अधिकारी से ये पता नहीं है कि तुम्हें कहाँ कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। और जबकि सारी चीज़ें उनके दराज के अंदर रखी गई थी, उन्हें बताया गया, नया कैलेंडर ला के उनके टेबल में दो कैलेंडर रखे गए, एक कैलेंडर उन्होंने मेरे मुँह पर फेंका सीधा मेरे उसमें। और मेरे 4 साल में, अगर मेरी 6 साल की जॉब यहाँ हो चुकी है, मेरा प्रमोशन भी हो गया वरिष्ठ सहायक में, और उन्होंने मेरी अगर चरित्र पंजिका में अगर कोई अति उत्तम या उत्कृष्ट से नीचे है, या उन्होंने मेरे को उस पद से हटाया या उन्होंने मेरे काम के बारे में कुछ बोला है कि इनको काम करना नहीं आता है या कुछ नहीं आता है, तो तब वो मेरे पे टिप्पणी निकालें। आज हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, ये DFO ऑफिस का सभी कार्यालय या स्टाफ यहाँ पर बैठा है। हम केवल एक ही बात को लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि नए तरह प्रभागीय वन अधिकारी धर्म सिंह मीणा द्वारा जो व्यवहार हमारे साथियों के साथ किया गया है बहुत अभद्र है, बहुत अनैतिक है। उनके द्वारा जो तानाशाही यहाँ पे दिखाई जा रही है वो नहीं चलेगी। कर्मचारी इतना जागरूक है, हर आदमी का अपना आत्मसम्मान है। आप किसी कर्मचारी को ये बोलते हैं कि वो रिश्वतखोर है, आपको काम करने का तजुर्बा नहीं है, तो आप बताएं कि ये हरिद्वार डिवीज़न का ऐसा कौन सा इतिहास रहा है कि कभी ऐसा हमारे किसी साथी के विरुद्ध कोई ऐसा, ना तो किसी के विरुद्ध कोई अपराध जारी हुआ है, ना कुछ हुआ है। है आज आप 2 दिन में आके सबको रिश्वतखोर बोल रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के ऊपर डेस्क कैलेंडर उठा के फेंक रहे हैं। ये तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी और हम यहाँ इस मंच के माध्यम से शासन को हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है संविधान के नियमों में रहते हुए हम अपना काम करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, हमें इसकी आज़ादी है। और हमारा एक ही मांग है कि 2 दिन आगामी के अंदर इनका यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने आज CDS शहीद विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य शहीद हुए सशस्त्र बलों के जवानों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी है। महेंद्र राणा ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, इस घटना से पूरे देश को बहुत गहरा सदमा लगा है।
बॉडी से तस्वीरें हैं जहां पर सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य वीर शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक की ये तस्वीरें जहां पर द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने आज सीडीएस शहीद विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 अन्य वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग की शिफ्टिंग को लेकर अब स्थानीय लोगों का भी संघर्ष सड़क तक पहुंच गया है। जिला चिकित्सालय में धरना देने के बाद लोगों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। प्रशासन, सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं अस्पताल शिफ्टिंग के विरोध में धरना छठवें दिन भी जारी रहा और स्थानीय लोगों ने कहा कि अब तक अस्पताल को यथावत नहीं रखा जाता, आंदोलन जारी रहेगा। निश्चित रूप से ये 6 दिनों से जब हमें पता चला कि यह हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है कोटेश्वर में, तो हमें बड़ा अफसोस भी हुआ कि हमारे शासन प्रशासन ने आम जनता से, जनप्रतिनिधि से, व्यापारियों से या सीनियर सिटीजनों से पूछने तक भी इन्होंने ये हमें नहीं समझा कि इनको पूछा जाए। आज आम जनता, आम गरीब आदमी इस हॉस्पिटल में आता है, अपना इलाज कराता है, उसके बाद अपने घर की तरफ निकल जाता है। आज वो हॉस्पिटल, यही हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने जा रहे हैं। आने जाने की असुविधाएं यहां पे हो रही है, इस चीज़ को इन्होंने देखा नहीं है। और बड़ा दुख होता है इस बात का कि ये सरकार जो अपनी तानाशाही चला रही है, ये सरकार की तानाशाही है कि बिना किसी को पूछे अपना काम कर रही है। अभी ये सूचना मिली है कि पीपी मोड़ पर किसी बाह्य संस्था, प्राइवेट संस्था को इस बिल्डिंग को देने की बात कर रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, धीरे धीरे जनता सहयोग करेगी। जनता से भी अपील है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी भी समझ जाइए और अपने इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए आगे आए। EMC यही बात हुई कि साहब सुनने में आया है, मेरे को तो 19 में आ गई इस बात की भनक। ये चिट्ठी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, 19 को मैंने मुख्यमंत्री को लिख दिया था कि आप वहाँ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल हो गए GNM कॉलेज लड़का बाहर उधर पे आता, वो भी वहाँ खोल सकता था। आयुर्वेदिक में आपको पता है 4 पेशेंट भी नहीं आते दिन भर, ये इस ब्रांच को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 2 मंजिला ये भी मिल जाए, कहाँ जगह की कमी हो रही है। अब रही गाड़ियों की बात, तो पार्किंग के लिए तो प्रशासन सोचने की कहाँ पार्किंग बननी चाहिए। मैंने तो खुद प्रस्ताव दिया था जो PWD का यहाँ पर है उनको ऊपर बना करके दे दो और नीचे पार्किंग कर दो, जो सामने है आप पुलिस नहीं सामने। धनसिंह जी से मैंने बात भी कर दी थी लेकिन खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि तुम अपनी मर्जी का करो, तुम्हारी जो कम से कम 4 डॉक्टर CSC के नाम पर यहाँ रखो। उत्तरकाशी के तहसील बड़कोड़ क्षेत्र के रहने वाले राजेश शाह के मकान में अचानक आग लग गई। वहीं इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आपदा उपकरणों सहित घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आग से पूरा मकान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारण का अभी तक कोई पता नहीं चला है। उत्तरकाशी से सीधी तस्वीरें जहां पर 2 मंजिला मकान में आग लग गई, जिसके बाद सारा सामान जलकर खाक हो गया। कर्णप्रयाग में सिवाई और गौचर में रेलवे टनल में कार्य कर रहे 18 मजदूरों को वापस काम पर रखने की मांग को लेकर C2 के बैनर तले मजदूरों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। मजदूरों का कहना है कि DBL कंपनी जब तक बाहर किए गए मजदूरों को वापस काम पर नहीं रखती है, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं हड़ताल के चलते रेलवे टनल का काम भी ठप पड़ा हुआ है। तो कर्णप्रयाग से तस्वीरें जहां पर मजदूरों की हड़ताल आज 12वें दिन भी जारी है। 18 मजदूरों को वापस काम पर रखने की मांग को लेकर यह पूरी हड़ताल चल रही है। कर्णप्रयाग से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। में ऐसा है कि कंपनी पिछले 1 साल से वर्कर को जो उसका हक बनता है, जो उसका रेट है, वो कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही थी। पहले तो इनका रेट और कम था, फिर वर्कर बीच बीच में इनको काम बंद करके बताते रहते थे हमारा रेट बढ़ाइए, तो कंपनी थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ा रही थी, मगर फिर भी जो हमारा रेट बनता है, जो हमारा ओवर टाइम का जो हमसे करवाया जाता है, तो उसका पूरा रेट नहीं मिल रहा था, इसलिए वर्करों ने ओवर टाइम करना बंद कर दिया। ये मजदूरों का यहाँ पे विगत 1 वर्षों से शोषण किया जा रहा था। 12-12, 13-13 घंटे काम करा के उनको मूल जो वेतन था उसमें आधा पैसा मिलता था। तो मजदूरों ने एक संगठन CITU संगठन बनाया
और कंपनी से मांग किया कि हमारी जो मूल वेतन है उसे हमको दिया जाए। तो डीबीएल कंपनी की बहुत ज़्यादा तानाशाही चल रही है। इन्होंने हमारे 17-18 मजदूर भाइयों को बिना मतलब से, बिना किसी नोटिस से बाहर किया हुआ है। सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही है कि उनको पहले अंदर किया जाए, तभी काम चलेगा। बाकी कुछ जो हमारे वेतन का भी है, 12 घंटे काम करवा रहे हैं और 8 घंटे का वेतन दे रहे हैं हमारे। रुद्रप्रयाग जिले के बडमा क्षेत्र में डडोली डोभा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा छोड़े जाने पर स्थानीय ग्रामीणों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि साल 2008 में डडोली डोभा मोटर मार्ग की स्वीकृति मिली थी और साल 2018 में इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। वहीं इस मोटर मार्ग को अधूरा छोड़ दिया गया है। स्थानीय लोग कई बार प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने कहा है कि बीजेपी सरकार में लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए दो चार होना पड़ रहा है। गांवों के विकास में सड़क की अहम भूमिका है, लेकिन सरकारी गहरी नींद में सोई हुई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।